हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिग्मा एजुकेशन। तो हम बात करेंगे क्लास नाइन्थ का जो मैथमेटिक्स है एक्सरसाइज 2.5 है ना, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। उसमें कहता है उनका जो आइडेंटिटीज है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है, उनका प्रयोग करने के बाद उसका जो प्रोडक्ट है उनको निकालिए है ना। सर्व समीकरणों का प्रयोग करने के बाद उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। यह हमें जो है कुछ जो है क्वेश्चन हमें दे रखे हैं। इसमें जो है कौन सी जो आइडेंटिटीज है, कौन सी सब समीका यूज़ हो रही है, पहले हमें ये देखना है। पहले मैंने इसलिए नहीं लिखवाई है क्योंकि हमें रटना नहीं है। जितनी भी आइडेंटिटीज हैं, जितनी भी सब समीका है, तो हमें उनको समझनी है और उनका प्रयोग कैसे करना है वो हमें देखना है। तो क्वेश्चन के जरिए जो है मैं सब समीका भी बताऊँगा कौन सी इसमें यूज़ हो रही है और उसका यूज़ भी बताऊँगा किस तरह से हमें यूज़ करना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है मैं इस तरह का, एक्स प्लस फोर ब्रैकेट में एक्स प्लस टेन, यहाँ पर जो सब समीका है किस तरह की बनेगी, ध्यान देखिए। x हमारे पास जो है वेरिएबल होता है, वो x कोई भी नंबर हो सकता है, प्लस का 4 जो है कोई कांस्टेंट नंबर है जिसको हम ए बी सी से डिनोट करते हैं, और ये हो जाएगा x जो कोई अदर नंबर है वो क्या है, b है, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास किस तरह से निकल आएगी ये मैं भी बता देता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसकी इसमें गुणा करिए एक्स स्क्वायर, इसमें करिए तो कितना हो जाएगा, एक्स की बी में करेंगे तो कितना हो जाएगा बी एक्स, उसके बाद ए की एक्स में करेंगे तो कितना हो जाएगा ए एक्स, ए की इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा ए बी में। तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर प्लस का, मैंने जो है बी प्लस ए लिख दिया, इसको एक्स कॉमन ले लिया, एक्स मल्टीप्लाई करूंगा तो बी एक्स प्लस का ए एक्स मिल जाएगा इजिकल टू ए बी। तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ए को मैं पहले लिख लेता हूँ ए प्लस बी, एक्स प्लस का ए बी। तो ये जो सब समीका है इस तरह से निकल कर आती है, तो इसको हमें जो है समझना है, ठीक है। इसका जो प्रूफ भी मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, एक्स प्लस फोर एक्स प्लस टेन, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस का ए की वैल्यू कितनी है 4, प्लस का बी की वैल्यू कितनी है 10, एक्स ए कितना है 4 मल्टीप्लाई में बी कितना है 10। तो आ जाएगा इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर 10 और 4 कितना हो गए 14x, प्लस का 10 और 2 कितना हो गए 40। तो ये जो है हमारे पास आंसर आ गया। तो सब समझिए कौन सी यूज हो रही है इसमें, ये वाली यूज हो रही है। अब बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन की, इनमें जो है सब समझिए क्या है यूज़, तो यही हो रही है, बट यहाँ पे जो b हमारे पास क्या आ गया, b माइनस का हो गया है ना। तो माइनस का 10 था या प्लस का 10 था, जो b है वो माइनस का हो गया। तो इसमें क्या यूज हो जाएगा, अगर मैं लेता हूँ x, ये कोई प्लस का a कोई नंबर है 8, ये x जो है हमारे पास वेरिएबल है, और माइनस का b कोई नंबर है। तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स की एक्स में करेंगे, उसके बाद एक्स की बी में करेंगे तो माइनस का बी एक्स, अब a की इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का ए एक्स, हम ए की बी माइनस की बी में करेंगे तो माइनस का ए बी, ठीक है। तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको मैं पहले लिख लेता हूँ प्लस का ए एक्स, ये हो जाएगा माइनस का बी एक्स माइनस का ए बी। यहाँ से जो एक्स स्क्वायर प्लस का ए माइनस बी, एक्स मैंने कॉमन ले लिया दोनों में से, तो माइनस का ए बी। तो ये जो सब समीका है ये इसमें यूज हो रही है, ठीक है। तो सेकेंड वाला जो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सेकेंड है एक्स प्लस एट एक्स माइनस का 10, ठीक है, x माइनस का 10। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस है, a की वैल्यू कितनी है 8, माइनस का b की वैल्यू कितनी है 10, x माइनस का a कितना है 8 मल्टीप्लाई में b कितना है 10। सेम उसी तरह से हम लोग चल रहे हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का जो माइनस का बड़ा है तो माइनस का 10, अब प्लस का 8 तो माइनस का बड़ा तो माइनस का 2x बचेगा, और माइनस का 8 हम कितना हो जाएंगे 80। तो ये जो आ गया हमारे पास, ये इसका आंसर आ गया। अब देखिए थर्ड वाला, देखिए थर्ड वाले में क्या है हमारे पास, 3x प्लस का 4 3x माइनस का 5, ये पूरा क्या है हमारे पास x है, ये टर्म क्या मान लेंगे, पूरी जो है x हमने मान लिया, x कंसीडर करिए यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 3x का क्या है 3x स्क्वायर प्लस का a की वैल्यू कितनी है 4, b की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है, a माइनस बी, b की वैल्यू कितनी है 5, और x की वैल्यू कितनी है 3x, ठीक है, और ये हम माइनस a की वैल्यू कितनी है 4, b की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है। ये आंसर देखना, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर, 3 दिया 9, ये देखिए यहाँ बचा माइनस का प्लस का 4 माइनस का 5 तो माइनस का 1 की 3x में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 3x, और ये माइनस का कितना हो गया जाएगा 20। तो ये जो हो गया इसका ये आंसर हो गया। तो इसी तरह से हमें जो है सब समीका का यूज़ करना, उसको रटनी नहीं है, उसको समझनी है किस तरह से वो सब समीका बनी है, तो किस तरह से हमने उसका प्रयोग करा है। तो इसको नोट डाउन करिए फिर आगे। क्वेश्चन नंबर जो है इसका फर्स्ट का जो फोर्थ पार्ट है ना,
फोर्थ और फिफ्थ पार्ट ये देखते हैं, इसमें देखना है कौन सी जो है आइडेंटिटीज यूज हो रही है ना, और वो आइडेंटिटीज आई कैसे और उसका प्रयोग कैसे करें, ये तीनों चीज हमें जो है समझनी है। ठीक है, तो ये जो है किस तरह की फॉर्म है ये मुझे देखनी है ना। ये जो है ये किस तरह की फॉर्म है, ये हमारे पास वाई जो है क्या है, चर है, वेरिएबल है, जिसको मैंने वाई स्क्वायर में क्या ले लिया, एक्स। इस तरह की कोई टर्म होगी चेंज होने वाली है ना, ये कोई कॉन्स्टेंट है प्लस में ए। ठीक है, और जो है हमारे पास ये क्या है, ये कोई सेम ठीक है, ये मैंने लिया एक्स कोई, ये तुम्हारा वेरिएबल है ना, ये दूसरी संख्या भी सेम है, देखिए माइनस है बस यहाँ पे, ये 3/2 क्या लिया मैंने, ए लिया, ये भी क्या है ए है। ठीक है, ये वाई स्क्वायर क्या ले लिया मैंने, एक्स ले लिया, यहाँ वाई स्क्वायर क्या है एक्स है, ये वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर, इसलिए एक्स एक्स रखा, ये 3/2 3/2, इसलिए मैंने ए ए रखा, संख्या जो है वो एक ही संख्या है ना, सेम संख्या है, तो खाली जो है माइनस के जो साइन चेंज है। ऐसी इस तरह के यहाँ पे देखो, ये भी यही फॉर्म बनेगी क्या, ये हमारे पास क्या है, ये हो जाएगा कोई संख्या है ए, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का, इसको मैं एक्स मान लूंगा पूरे को 2x, ठीक है, ये है ए, सेम संख्या है 3 यहाँ पर, ये प्लस का एक्स। ठीक है, तो इसी तरह की जो है फॉर्म आ रही है। प्रोडक्ट में ध्यान रखना ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं होता है, ये चाहे पहले लिख लो ये चाहे बाद में लिख लो, उसका जो है मीनिंग जो है एक ही है। ठीक है, दोनों में जो है एक ही तरीके की जो है सबसमीका वो यूज हो रही है। तो यहाँ देखिए, तो इसको मैं जो सबसमीका निकालूंगा यहाँ से, इसकी इसमें गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसकी फिर इसमें करूंगा तो माइनस का ए एक्स, इसकी इसमें करूंगा तो कितना हो जाएगा प्लस का ए एक्स, इसकी इसमें करूंगा तो माइनस का ए स्क्वायर, ये माइनस का ए एक्स, ये प्लस का एक्स, दोनों जो है ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ये वाली सबसमीका इसमें जो है यूज हो रही है। आइए आई कैसे है, ये मैंने इसका प्रूफ भी ठीक कर दिया है। ठीक है, तो मैं इसको यूज कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या है वाई स्क्वायर प्लस का 3/2, वाई स्क्वायर माइनस का 3/2। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर, ये पूरा क्या है हमारे पास एक्स है ना, ये पूरा क्या लिया था हमने एक्स लिया था, तो एक्स स्क्वायर की जगह मैं क्या लिखूंगा, एक्स की वैल्यू क्या है वाई स्क्वायर, इसका पूरे का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद माइनस ए की वैल्यू क्या है 3/2 का स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखना, ये वाई स्क्वायर क्या लिया हमने एक्स माना, वाई स्क्वायर को क्या माना हमने एक्स माना, इसलिए एक्स की वैल्यू क्या है वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर ये हमने करा, तो याद आएगा हमारे पास कितना वाई की पावर 4, ठीक है, माइनस हो जाएगा 9/4 है ना, तो इसका जो है ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये वाला देखिए, ठीक है, तो ये भी जो है हमारे पास क्या निकल के आएगा, ठीक है, ये भी सब समय का इस तरह की है। ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा कितना, ये क्या है हमारे पास ए है, कर लेते हैं सॉल्व, कोई बात नहीं है, 2 मिनट लगेंगे। देखिए ये हो जाएगा कितना ए स्क्वायर, इसकी इसमें करिए तो इसमें करेंगे तो प्लस का ए एक्स, अब इसकी हम इसमें करेंगे तो माइनस का ए एक्स, इसकी इसमें करेंगे तो एक्स की एक्स में करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस प्लस कैंसिल हो गया, बचा क्या ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास ये इस तरह की सबसमीका है, तो इसको जो समझना है ना किस तरह से ये आगे निकल के, तो यहाँ पर माइनस ये एक्स बाद में था इसलिए एक्स बाद में आ गया, ए जो है यहाँ पर बाद में था ए यहाँ पर बाद में आया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, क्या है हमारे पास 3 2x 3 प्लस का 2x, तो कितना ए का स्क्वायर कितना है 3 का स्क्वायर, माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है 2x, तो 2x का स्क्वायर, तो हो जाएगा 9 माइनस का 4x स्क्वायर है ना। इस तरह से हमें करना, समझ समझ के करना, रटना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करिए फिर आगे। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, इसमें जो है बिना जो है सीधे गुणा किए बिना हमें जो है उसका जो है गुणनफल निकालना है ना, डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन किए बिना इनका जो है गुणनफल जो है प्रोडक्ट जो है वो कितना होगा। ठीक है, तो देखिए यह 103 107, डायरेक्ट हम गुणा करेंगे तो हमें आंसर जो है वो मिल जाएगा, लेकिन हमें डायरेक्ट गुणा नहीं करनी है ना, तो इसमें जो है कुछ ना कुछ तो अलग होगा ही होगा ना, तो इसमें जो है सर्वसमीका का प्रयोग करके जो है हमें इसका प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर किस तरह से हम लोग करेंगे इसको, तो मैं कैसे बनाऊँ इसको है ना, और फॉर्म कैसे बनाऊँ, तो वो फॉर्म बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, अगर मैं इसको लिख देता हूँ क्या 100 प्लस 3, कोई दिक्कत नहीं है, 103 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, और इसको लिख देता हूँ क्या 100 प्लस का 7,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, 107 को मैंने 100+7 लिख दिया। तो ये कैसे फॉर्म बन गया, देखिए लास्ट क्वेश्चन में जो क्या था, लास्ट क्वेश्चन में क्या था, ये था हमारे पास क्या a प्लस, ये क्या ले लेते हैं हम लोग, ये अलग अलग है तो इसको क्या लेते हैं x, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा a प्लस, ये अलग संख्या तो क्या ले लिया हमने, इसको x लेते हैं एक मिनट, ठीक है, ऐसा मत करिए ना, ये जो एक जो संख्या है ये मेरा कॉन्स्टेंट हमारे पास तो है क्या, x ले ली सेम है, यहाँ पर ले लिया a, ये हमारे पास x है, ये b, ये वाली सब समीका बने दिया ना, तो कन्फ्यूजन होना, ये जो x x इस तरह की सब समीका हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना, ये लोग पढ़ चुके हैं, तो इस तरह का ये फॉर्म है। तो ये क्या आता था, ये आता था एक्स स्क्वायर प्लस में ये प्लस का बी एक्स प्लस का ए बी, इसका प्रूफ जो हम कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, है ना। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स की वैल्यू क्या है 100 का स्क्वायर प्लस में कितना है 3 प्लस का कितना आ गया 7, ठीक है, प्लस, ठीक है, मल्टीप्लाई में कितना है, एक्स की वैल्यू कितनी है 100 प्लस में ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू जो है कितनी 3 मल्टीप्लाई में बी की वैल्यू कितनी है 7, तो कितना आ जाएगा, इसकी हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, पावर 2 है तो हम 2 जीरो कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 7 और 3 10 गुणा में कितना 100 प्लस का 7 या 21, तो ये हो जाएगा कितना 10,000 प्लस में ये हो जाएगा 1,000 प्लस का 21, तो ऐड करने के बाद कितना मिलेगा मुझे 11021, है ना, तो इतना आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ये करने हमें समझ में आया किस तरह से करने हैं, सब देखिए यहाँ पर देखिए, अगर 95 को मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा 100 माइनस का 5, इसको क्या लिख दूंगा 100 माइनस का 4, ठीक है, तो अब तो हो जाएगा इसका, तो क्या है इसका, कैसे हो जाएगा 100 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में माइनस का 5 माइनस का 4 इंटू कितना हो जाएगा 100, और यहाँ पर आ जाएगा कितना हमारा, ये हो जाएगा प्लस, है ना, माइनस का 5 मल्टीप्लाई में माइनस का 4, तो आ जाएगा कितना 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000, ये हो जाएगा माइनस का 9 मल्टीप्लाई में कितना 100, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 20, ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना 10,000 माइनस का 900 प्लस का 20, तो मेरे पास कितना आया, ठीक है, ये आया 10,020 में से कितना घटाना है मुझे 900 माइनस करना, तो कितना मिला मुझे 0, ये मिला मुझे कितना 2, ठीक है, यहाँ मिला मुझे कितना 10 में से 9 गए 1, ठीक है, यहाँ मिला कितना 9, तो मुझे कितना मिल गया आंसर, कितना आ गया 9120, ठीक है। इसी तरह से जो है हमें ये करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 100, ठीक है, प्लस का 4, और इसको लिख सकता हूँ कितना 100 माइनस का 4, तो कितना हो जाएगा 96, तो ये कैसी फॉर्म बन गई, x प्लस का a, x माइनस का a, चाहे ये भी लिख सकते हो या हम ये भी लिख सकते हैं, ये अगर b ले दो प्लस का a, b माइनस का a, तो कॉन्स्टेंट है, चाहे x लो चाहे a भी लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो उसमें कन्फ्यूजन होना, x चाहे b हम इस तरह की फॉर्म ले सकते हैं। तो ये हमें क्या निकल कर आती थी, एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू कितनी है 100 का स्क्वायर माइनस कितना 4 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगी 10,000 माइनस का 16, तो कितना बचेगा, है ना, तो 10,000 में से मैं 16 माइनस करूँगा तो कितना बचेगा, यहाँ बचा 4, ठीक है, यहाँ हो गया 9 में से एक गया कितना बचा 8, तो यहाँ आ गया हमारे पास कितना 9, तो कितना आ गया आंसर 9984, है ना, तो इसी तरह से जो है ये हमारे पास आएगा, तो इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसको देखिए, जो है हमें जो है यहाँ पर क्या है, जो आइडेंटिटीज हैं, है ना, उनका जो है प्रयोग करने के बाद हमें जो है इसका क्या करना है, फैक्टराइज करना है, इसके जो है हमें गुणनखंड करने हैं, ठीक है, तो इसमें कौन सी सब समीका यूज हो रही है, प्रयोग हो रही है ना, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो हमारे पास एक जो है ये बहुपद दे रखा है, है ना, तो पहले फर्स्ट करते हैं बाद में सेकंड देखते हैं, ठीक है। तो आपने कहीं देखा होगा इस तरह की फॉर्म दे रखी होगी, कभी ना कभी तो पढ़ी होगी,
ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, कहीं ना कहीं तो ये देखा ही होगा ना, अगर नहीं भी देखा हो कोई बात नहीं, अब देख लो। तो इसका जो है क्या होता है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है। ये भी हमारी क्या है, एक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है ये भी, है ना, तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखना इस तरह की मैं फॉर्म जो है इससे मैं बनाऊंगा कैसे, देखिए a की वैल्यू मैं लेता हूँ क्या, स्क्वायर लेता हूँ तो इसको मैं होल स्क्वायर करता हूँ तो 3x का स्क्वायर, 9x स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3x का स्क्वायर लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, प्लस 2, और 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3x, क्योंकि a हमारे पास क्या है 3x, मल्टीप्लाई में बचा क्या y, प्लस में तो y को मैं क्या लिख सकता हूँ, y स्क्वायर, b को मैं क्या लिख सकता हूँ, y स्क्वायर। तो ये फॉर्म बन गई। तो इससे जो मिल के आएगा, a की वैल्यू कितनी है 3x, ठीक है, अब b की वैल्यू कितनी है y, 3x प्लस का क्या है y का होल स्क्वायर। तो ये जो हो गया हमारे पास, क्या आ गया इसका गुणनफल क्या आया, 3x प्लस का y का होल स्क्वायर, ये इसका जो है आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन किस तरह का दिख रहा है, देखिए एक ये भी देखा होगा आपने, ये प्लस वाला देख लिया, ये माइनस वाला देखा होगा, माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, तो ये किसके बराबर होता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर। ये हमारी दूसरी सबसमीका है, ये फार्मूले है, इसको तो आपको याद करने पड़ेंगे, है ना, ठीक है। उसके बाद देखिए a की वैल्यू कितनी है, तो मैं इसको इसकी फॉर्म बनाऊंगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2y स्क्वायर, 4y स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ, लिख सकता 2y स्क्वायर, है ना, माइनस 2 मल्टीप्लाई में a की वैल्यू कितनी है 2y, 2 × 4y हो गया, प्लस गुणा में क्या b का कितना होगा, b का 1, b का मान जो है 1 रहा होगा, है ना, 1 की से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये मिलेगा हमें, प्लस 1 का स्क्वायर। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, a की वैल्यू क्या है 2y, प्लस b की वैल्यू क्या है माइनस, है ना, माइनस b की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर, ये इसका क्या है गुणनखंड होगा, ये इसका फैक्टर हो गया, है ना। अब थर्ड वाला देखिए, एक सबसमीका और देखी होगी आपने, क्या अगर मैं करता हूँ एक्स स्क्वायर, ये तो करी थी हमने, माइनस वाई स्क्वायर, है ना, तो कितना होता है एक्स माइनस का वाई और एक्स प्लस का वाई, चाहे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कहीं लिखा होगा कोई बुक में, हो सकता है क्या हो जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस का बी, है ना। तो ये बात ए की है की, ठीक है, ये हमारे पास इसकी सबसमीका आ गई। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ए की वैल्यू कितनी है एक्स, है ना, माइनस बी की वैल्यू कितनी है, तो इसको मैं और सॉल्व करने के बाद क्या लिखूँगा, एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस वाई बटे टेन का स्क्वायर, इसको ये लिख सकता हूँ। तो b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, y बटे 10, उसके बाद क्या आ जाएगा x प्लस y की वैल्यू कितनी है y बटे 10, ये इसके क्या है ये फैक्टराइज हो गया। तो इसी तरह से जो है हमें ये क्वेश्चन करते हैं, तो इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं।